जम से ही यहाँ पे रहते हैं और हम इनके संपर्क में हमेशा रहते हैं। जो भी कार्यक्रम होता है हम सब इनको एक जगह जमा करके कुछ भी कार्यक्रम होता है तो इनको हम बुलाते हैं। ऐसे ही हमने रेशन किट उनके लिए बांटा था लॉकडाउन के समय और इनकी मांग थी कि हमें वैक्सीनेशन चाहिए, हमें ज़रूरत है और हम चाह तो रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा है। तो हमने सोचा कि ठीक है, हम ट्राई करेंगे आपके लिए और हमने नीलम भाई गोरे से अनुवाद किया कि हमें इनके लिए वैक्सीनेशन चाहिए तो हो सकता है। तो ताई ने किया ठीक है, मैं ट्राई करूंगी और इन्होंने दे भी दिया और अभी हमारा टारगेट आज का 150 से 200 है और हम 1500 से 2000 तक की महिलाओं का टारगेट बनाएंगे। कुल महिलाएं यहाँ पे 4500 से 5000 तक है और अभी तो 2-3 मुझे मिली है महिला जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और भी होंगे तो उनकी लिस्ट हम अलग से बनाएंगे। वो तो बहुत बड़ा इशू आ रहा है, अगर उनके पास कागज नहीं है तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम अभी पूछे कि इनके लिए तो कुछ करना ही चाहिए, इनको तो वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं। तुमच्या हिशोबाने बघा, तुम्हाला जे अवघड जाते बघा, तुमच्या हिशोबाने ठीक आहे। तो थोडं मागे सरकार आहे तुम्ही, बाकी सगळे सर बरेच दिवसांपासून हा जो सगळा घटक आहे पुण्यातील या रेड लाईट एरिया परिसरातील त्यांना लस मिळालेली नव्हती।
आपला ऑफिस आहे तर कोणी पाहतो म्हणजे नाही आणि नाही आहे.